हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब लोग? इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। अच्छा जी, अब कितने लोगों को मसला आ रहा है अब बताएं जरा। अभी अभी प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? गुड, वेरी गुड। चले, सही है। करते हैं जी फिर स्टार्ट। कितने लोग आ गए हैं हमारे पास अभी? 70 लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है, चलें जी। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हाँ जी, मैं मोबाइल डेटा पे आ गया हूँ। दूसरा इंटरनेट जो था वो चल नहीं रहा था। आवाज़ स्लो है? आवाज़ को क्या मसला है? आवाज़ तो ठीक है मेरा ख्याल है। चलें, ठीक है जी। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस हम इंस्टॉल क्यों करते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर हम किस किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। और पूरे का पूरा ये एक जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ और लोगों का कि जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि फिर हम स्टार्ट करें इसको। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज, और आज का जो लेक्चर है वो आपकी एक गिग भी इंक्रीज करने वाला है। आप जो है वर्डप्रेस की एक पहली गिग जो है वो लगा सकते हैं इसके बाद कि अब जो है हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस जो है वो आप फाइवर के ऊपर दे सकते हैं, फ्रीलांसर पे दे सकते हैं, और इसी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जिनको हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की। वर्डप्रेस सबसे पहले तो है क्या, ये देख लें। वर्डप्रेस एक टूल है, एक CMS है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। कंटेंट अब क्या है? कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाई थी, शाकिर साहब ने डिलीट ना कर दी हो। चलें, हाँ, तो कंटेंट की बात कर रहे थे। कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पब्लिश्ड सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो हमें जो है वो मिल जाती है। मैं अगर यहाँ पे कंटेंट के अंदर सबसे पहले तो आपका टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के बाद फिर आपके इमेजेस आएंगे, फिर आपकी वीडियोस आ जाएंगी, फिर आपके लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है,
तो मतलब ये है कि जो चीज़ आपको एक वेबसाइट के ऊपर मिलती है वो सारी की सारी कंटेंट कहलाती है। जैसे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे वर्डप्रेस का एक लोगो लगा हुआ है, ये इमेज है, और फिर उसके बाद ये मीट वर्डप्रेस लिखा है तो ये एक टेक्स्ट है, फिर नीचे एक इमेज लगा हुआ है, हो सकता है नीचे कहीं पे इन्होंने कुछ वीडियोस भी पब्लिश की हुई हों, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेक्शंस बने हैं। तो ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, लेआउट्स हैं, इन सारों को मिला के एक कंटेंट बनता है। और उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं जो पूरी दुनिया की 34% वेबसाइट्स यूज़ करती हैं, और उसको हम वर्डप्रेस का नाम देते हैं। तो इस वर्डप्रेस को अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है दो चीज़ों पे होगी। सबसे पहले पहले तो हम इसको अपने लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और ये फॉर प्रैक्टिस होगा, ठीक है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि इस वर्डप्रेस को हमने लाइव सर्वर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, फॉर क्लाइंट्स और फॉर आर ओन बिजनेस। तो अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लोकल होस्ट पे आज इंस्टॉल करना सीखेंगे, साथ लाइव होस्ट पे भी कर लेंगे। लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं, अपने ही कंप्यूटर को हम क्लाइंट बनाते हैं और इसी के ऊपर जो है हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कुछ छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं। लोकल होस्ट का नुकसान ये है कि जब आप बड़े थीम्स को इंस्टॉल करने जाते हो अपने लैपटॉप पे, अपने सर्वर के ऊपर, लोकल होस्ट पे वो परफॉर्म नहीं करते ठीक से। मतलब कुछ लेआउट्स जो हैं उसके वो डाउनलोड नहीं होंगे, कुछ थीम्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थोड़े से मसले आते हैं जब हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लाइव सर्वर की बात करते हैं तो लाइव सर्वर एक अमेरिका के अंदर एक सर्वर पड़ा हुआ है और वहाँ से आपका डेटा जो है वो होस्ट हो रहा होता है। तो मतलब ये है कि उसके ऊपर प्रोफेशनली जब हमने काम करना है तो लाइव सर्वर के ऊपर करना है। एक डोमेन और होस्टिंग खरीद के हमने उसके ऊपर जो है वो अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है और वहां पे हमने जो है वो वेबसाइट बनानी है। लोकल होस्ट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी वेबसाइट, अपना काम लोगों को दिखाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको लाइव सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोकल होस्ट के ऊपर हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है, दोबारा से मैं लिख देता हूँ, wordpress.org। ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स आज हम करेंगे इनको चाहे नोट डाउन कर लें, चाहे आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, लेकिन ये काम मैं दोबारा दोबारा नहीं करवाऊंगा। जिस जिसको मसला आएगा वो वीडियो देखेगा दोबारा से, टीएस को तंग करने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा काम हम यहीं पे बैठ के करेंगे। आज जितनी भी कन्फ्यूजन है वो ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों ने क्लियर करनी है, जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछें, लेकिन कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। तो wordpress.org के ऊपर चलते हैं। तो यहां पे आपको एक बटन नजर आएगा गेट वर्डप्रेस का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहां से मैं अभी तक का जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली देखें उसने वर्डप्रेस की जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट कर दी। अच्छा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, जैसे ही ये डाउनलोड डाउनलोड कंप्लीट होगा फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। लें जी, डाउनलोड कंप्लीट हुआ, मैंने इसको शो इन फोल्डर किया और इस फाइल को मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये जो भी फाइल थी मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी दबा लें या फिर आप कॉपी कर लें और इसको ले जाएं अब सी के अंदर। तो मैं दिस पीसी में चलता हूँ और सी में, आप लोगों को याद होगा हमने जब ज़ैम्प इंस्टॉल किया था तो ज़ैम्प की एक रूट डायरेक्टरी थी जिसको हम पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। ज़ैम्प के अंदर चलते हैं
और यहाँ पे जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है उसका नाम है HT डॉग्स। जिन लोगों ने रैंप इंस्टॉल किया होगा रैंप की बजाय, उन लोगों को यहाँ पे रैंप के फोल्डर की बजाय रैंप का फोल्डर मिलेगा, और HT डॉग्स के फोल्डर की बजाय वो WWW के फोल्डर के अंदर जाएंगे। नहीं जी, मैं अब सबसे पहले कहाँ पे चला गया, रैंप के अंदर, और रैंप के अंदर HT डॉक्स जो हमारी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर जाके मैंने उस फाइल को पेस्ट कर दिया। नहीं जी, ये फाइल जो है यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब इस फाइल को, क्योंकि ये एक जिप फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि HT डॉक्स इस तरह का ये फोल्डर है, इसको आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दो यहीं पे। तो उसने ये एक्सट्रैक्शन उसकी शुरू कर दी। और अब हमारे पास इस फोल्डर की जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैं जाता हूँ। अब बेशक मैं इसको डिलीट कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट कर दिया जो जिप फाइल थी। इस फोल्डर के अंदर गया, इसकी सारी की सारी ना आप लोगों को हायरार्की समझ में आनी चाहिए। उस फोल्डर के अंदर गया तो यहाँ पे मुझे ये वर्डप्रेस का फोल्डर मिल गया, असल फोल्डर ये है। ठीक है, मैं इस वर्डप्रेस के फोल्डर को खोलता हूँ तो ये सारी की सारी मेरी कोर फाइल्स जो हैं वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे पड़ी हुई मुझे मिल जाएंगी। मैं क्या करूँगा, इस वर्डप्रेस के फोल्डर को मैं यहाँ से कट करता हूँ और एक स्टेप पीछे ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये डायरेक्टली HT डॉक्स के फोल्डर के अंदर चाहिए, कि HT डॉक्स के फोल्डर के अंदर एक वर्डप्रेस का फोल्डर हो और उसके अंदर सारी की सारी फाइल्स हों। तो ये आप देखें, HT डॉक्स के फोल्डर के अंदर है, मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया उसको, और वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे ले आया। तो वर्डप्रेस के अंदर अब ये डायरेक्टरी सारी की सारी पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि पहले जब हम HTML के अंदर काम कर रहे थे तो लोकल होस्ट के ऊपर आते थे, लोकल होस्ट स्लैश bash9 लिखते थे, और उसके अंदर पड़ा हुआ कैमरा डॉट HTML जो था वो हम खोल लेते थे। अब क्या करना है, अब bash9 की बजाय अब हमने कौन सा फोल्डर खोलना है, वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं तो ये कोर फाइल सारी की सारी यहाँ पे मुझे मौजूद मिल जाएंगी। अब मुझे इस फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से भी मैंने जो वर्डप्रेस का फोल्डर था उसको एक स्टेप बाहर ला के निकाल लिया। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जैम्प का फोल्डर है, जैम्प के फोल्डर के अंदर HT डॉक्स का फोल्डर है, और HT डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर है, वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर सारे के सारे जो हमारी कोर फाइल्स हैं वर्डप्रेस की वो पड़ी हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, अब चलते हैं, जरा हम जैम्प ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैम्प की सर्विसेज स्टार्ट करें ना। तो जैम्प की पहली दो सर्विसेज स्टार्ट कर ली मैंने। और लोकल होस्ट पे गया, लोकल होस्ट स्लैश कौन सा फोल्डर था जी, वर्डप्रेस के नाम का फोल्डर था, उसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप। वर्डप्रेस रखा है मैंने अभी फिलहाल, तो मैंने लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस को मैंने कॉल किया और एंटर कर दिया। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है उसके ऊपर हमें वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले वो हमसे जो चीज़ पूछ रहा है वो ये है कि आपने इसके लिए कौन सी लैंग्वेज में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो दुनिया की ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर वर्डप्रेस मौजूद है और वर्डप्रेस के अंदर काम हो रहा है। ये देखें, इवन सराइकी भी मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमने तो सिंपल अभी इंग्लिश के अंदर ही करना है ये सारे का सारा काम, तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया इसको। तो अब उसने उससे पहले कंटिन्यू करने के बाद मुझे चार चीज़ सॉरी पांच चीज़ें मेरे से मांग ली हैं। वो कहता है कि पहले तुम लोग कंफर्म करो कि आपके पास ये सारी पांच चीज़ें मौजूद हैं या फिर नहीं है। सबसे पहला काम है डेटाबेस नेम, क्या तुम्हारे पास कोई डेटाबेस है और डेटाबेस तुमने क्रिएट की है या फिर तुमने उस डेटाबेस को कोई नाम दिया है। ठीक है, तो अब मैंने तो अभी तक कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं की। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश, पहले मैंने अब डेटाबेस क्रिएट करनी है, स्लैश PHP माई एडमिन में जाना है। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पे जाके PHP माई एडमिन में जाके
हम क्या करते हैं, खुद से डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर कुछ कॉलम्स, कुछ टेबल्स और कुछ डेटा जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का हमारा फिलहाल जो काम है वो ये है कि हमने सिंपल अभी हमने क्या करना है कि डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन में गया, और यहाँ पे मैंने न्यू के ये सारी की सारी डेटाबेसेस हैं इसकी, मैंने यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर ली। न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और सिंपल मैंने यहाँ पे उस डेटाबेस का कोई भी नाम रख देना, ठीक है। मैं उस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ Batch 9। सिंपल मैंने यहाँ पे Batch 9 लिखा और क्रिएट कर दिया, बस इतना सा काम था। हमारा PHP एडमिन का काम जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं और सबसे पहले डेटाबेस तो हमने जो है वो तैयार कर ली। डेटाबेस नेम हमने Batch 9 रख लिया। हमेशा याद रखेंगे जो डेटाबेस का यूजर नेम है लोकल होस्ट के ऊपर वो रूट होता है, ROT, और जो डेटाबेस का पासवर्ड होता है वो नल होता है, मतलब उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। और डेटाबेस का होस्ट हमें पता है लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लेट्स गो करते हैं और यहाँ पे डेटाबेस नेम चेंज करके मैं लिख देता हूँ Batch 9, कि हम इस वर्डप्रेस को किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए ना, अब हम डायनामिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर। हम जो है एक पूरी फुल फ्लेज डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर कुछ स्लाइडर्स होंगे, कुछ इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगी, कंटेंट मूव कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने उसके साथ एक डेटाबेस भी तो कनेक्ट करनी है। तो डेटाबेस कनेक्ट की पहले डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली PHP माई एडमिन में जाके, और उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिख दिया Batch 9। यूजर नेम के अंदर मैंने क्या लिखना है, ROT, ठीक है। और पासवर्ड को हमने ब्लैंक छोड़ देना है, इसके अंदर हमने जो भी लिखा होगा उसको रिमूव कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, इतना काम है इसके अंदर, हमने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सबसे पहले डेटाबेस का नाम देना है, यूजर नेम देना है और पासवर्ड को ब्लैंक कर देना है, खाली कर देना है पासवर्ड वाली फील्ड को। डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट है, और टेबल प्रीफिक्स क्या होता है कि वो मुख्तलिफ टेबल्स सेम नाम के भी हो सकते हैं, लाइक आईडी का टेबल स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है वो स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है और एम्प्लॉय के लिए भी हो सकता है। तो आईडी दोनों की अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं, लेकिन अभी इनका कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। हम जब डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम प्रीफिक्सेस जो हैं वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी सिंपल आपने क्या करना है कि Batch 9 लिखा, जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रूट लिखेंगे, और फिर पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो वो कहता है ऑल राइट यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये है कि इसको Batch 9 नाम की कोई डेटाबेस बनी हुई मिल गई है PHP माई एडमिन के अंदर, ठीक है। और उसका जो पासवर्ड और जो यूजर नेम था वो उसने लगा के देखा और वो करेक्ट है, अब वो उस डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर सकता है। तो वो रन द इंस्टॉलेशन, तो अब जो वर्डप्रेस है वो तो हमारा इंस्टॉल हो गया है, लेकिन वो जो पहली लुक है ना हमारी साइट की, वो कैसी होगी, हमारी साइट का नाम क्या होगा, ठीक है, और हमारी साइट जो है वो किस तरह की लग रही होगी, इस तरह की छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, और उस साइट को हमने एक्सेस कैसे करना है, उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम साइट का टाइटल अपनी मर्जी से कोई भी रख लेते हैं, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साइट टाइटल जो है वो हम कोई भी रख लें, जैसे हमने सजावट रख लें इसका नाम सजावट हाउस, ठीक है। यूजर नेम जो है अपनी आसानी के लिए मैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये लोकल होस्ट है, इसका मैं यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी मैं एडमिन रखता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसका नाम रख लें। कंफर्म करता हूँ जी, यूज ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ। कौन सी वाली ईमेल दें जी, अनऑफिशियल दे दें, ठीक है, gmail.com, ठीक है। इसको डिस्करेज करें या ना करें, सर्च इंजन विजिबिलिटी है, ये होता है इसलिए कि गूगल को पता लगे या ना लगे कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, और गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स करना शुरू करे या ना करे, लोगों के सर्च रिजल्ट्स में शो करवाना शुरू करे या ना करे, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक कर देंगे
तो फिर गूगल जो है आपके पेजेस को गूगल रिजल्ट्स के अंदर शो नहीं करवाएगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्योंकि ये तो लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसका अभी गूगल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पेजेस जो हैं वो रैंक नहीं होंगे, इसके पेजेस जो हैं, इसका जो कंटेंट है वो रैंक नहीं हो सकता क्योंकि ये लोकल होस्ट के ऊपर है। लेकिन हाँ, जब आप लाइव सर्वर के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो जब वहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करोगे इसकी, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस लें जी। अब उसकी वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो आखिरी मराहिल में। ठीक है जी, वो कहता है कि ये आपका पासवर्ड है, इस पासवर्ड से आपने इसको लॉगिन किया करना है, ठीक है। अच्छा, अब लॉगिन कैसे करना है? हमने क्या किया, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ये हमारी वेबसाइट है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ये हमारी वेबसाइट की पहली लुक है। या आप, मैं अगर दिखाई दूँ आप लोगों को, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस का फोल्डर था ना, उसके अंदर हमने जो थी वो उसको हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था। तो अभी ये देखें, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जो है वो कुछ ऐसी लग रही है, मतलब उसकी पहली लुक जो है वो ऐसी है। हमने वो अभी जो है वो सजावट हाउस जो है वो लिखा था। एक मिनट, मैं माउस दूसरा कनेक्ट कर लूँ ज़रा। यहाँ पे ये ठीक है, तो ये सजावट हाउस आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने उस साइट का टाइटल दिया था तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे लिख दिया है। और ये इतनी साइट जो है वो मेरी बन भी चुकी है, बगैर कुछ किए, बगैर कोई काम किए जो है वो मेरी इतनी वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। अब सिंपल मैंने क्या करना है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसके साथ अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब मैंने इस साइट को लॉगिन करना है, इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, ताकि मैं इसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहता हूँ वो कर सकूँ। तो चेंजेस करने के लिए वर्डप्रेस के बाद मैं लिखूंगा WP-ADMIN, वर्डप्रेस माइनस एडमिन, मतलब वर्डप्रेस स्लैश WP-ADMIN, और इसको मैं उसी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करूंगा जो मैंने इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखे थे। एडमिन और एडमिन मैंने पासवर्ड और यूजर नेम रखा था ना, तो मैंने एडमिन और एडमिन लिखा और यहां से मैंने लॉगिन कर लिया। और अब मेरी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो चुका है, और ये उसकी पहली लुक है कि इस डैशबोर्ड के अंदर हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज किया करना है, क्रिएट किया करना है और इसको कस्टमाइज किया करना है। लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इतनी ही थी, ठीक है। इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता दें, कहते हैं तो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। लेकिन इसके अंदर जो भी मसले हैं ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं, और ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे बताना है कि सर ये मसला है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा तजर्बा है कि जब भी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करवाता हूँ तो कभी किसी को डेटाबेसिस के अंदर मसला आ रहा होता है, कभी किसी को यूजर नेम पासवर्ड के अंदर मसला आ रहा होता है, कभी किसी को फाइल प्लेस करना नहीं आ रहा होता HT डॉक्स के अंदर। तो इस तरह के जितने भी मसले हैं वो आप लोग अभी के अभी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, वो मैं हाजिर हूँ, उसको बताएं मुझे और उसको हम डिस्कस करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, दिखने में सही लग रहा है कि यहां तक क्लियर है। नहीं जी, कामरान अकील ने पूरा लेक्चर जो है वो नोट किया है और पेस्ट कर दिया है। वेरी गुड कामरान, अच्छा लगा मुझे। रिपीट कर दें। अच्छा जी, और कौन कौन है जी रिपीट करने वाला? मलिक मोजम, आई डोंट नो कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो आप। मैंने अपना जो फर्ज था वो पूरा कर दिया है, आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिखा दी है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें आप लोग।
जोफिशा अर्शद कह रही है कि सर ये बार बार लॉगिन करना होता है व्हेन एवर वी क्रिएट न्यू वेबसाइट। हाँ जी, हर एक वेबसाइट का अपना सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल। हर एक वेबसाइट का अपना वर्डप्रेस पैनल होता है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड जिसको बोलते हो, ठीक है। ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है जिसको हमने अभी लॉगिन किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक वर्डप्रेस का सी पैनल भी मिलेगा, तो वो अलग अलग होता है हर एक वेबसाइट का। लॉगिन से आगे बता दें, मैं सारा ही बता देता हूँ जी, सारा इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलें जी दोबारा से देखते हैं। मैं सिंपल, हम जो है, मैं इस वर्डप्रेस की जो फाइल थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ जो हमने क्रिएट की थी, ठीक है। इस वर्डप्रेस की फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। उधर से हम जो है वो अब देखें, मैं जैसे ही वो फाइल डिलीट किया, अब उसको वर्डप्रेस नाम की कोई फाइल वहां पे नहीं मिलेगी, तो वो मुझे कहेगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। सैफ खान, आपने सिर्फ पहली दो सर्विसेज ही स्टार्ट करनी है, बाकी सर्विसेज की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ कह रहे हैं जी सर जो सजावट हाउस का कॉल किया ना, वो समझ नहीं आई, वो बता दें। मैंने अपनी मर्जी से उसका नाम रखा है, कोई भी नाम रख लें, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है सजावट हाउस ही रखना है, उसका कोई भी नाम रखें। आपने कोई और वेबसाइट बनानी है, आप उसका नाम रखें, ज़रूरी नहीं है। वो तो जो नाम दे दोगे वो वहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट आउट होके आ जाएगा। सर अगर मल्टीपल साइट्स क्रिएट की हों तो फिर कैसे रिक्वायर्ड साइट को लॉग इन करेंगे? हर एक साइट का अपना अपना नेम होता है ना। देखें मेरी कुछ साइट्स हैं जैसे डैपर डॉट रिव्यूज़ है, तो डैपर डॉट रिव्यूज़ का मैंने वर्डप्रेस एडमिन खोलना है, तो उसका मैं लिखूंगा /wp-admin, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने सेफस्काई का वर्डप्रेस एडमिन खोलना है तो sefsky.com/wp-admin, ठीक है। फिर इसी तरह सजावट है, sajawat.house/wp-admin। तो जितनी साइट्स होती जाएंगी उतनी डोमेन्स होंगी और उतने ही वर्डप्रेस के एडमिन पैनल आपको मिलते जाएंगे। तो हर एक का अपना अपना यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। हर एक का अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड होगा, तो आप उसको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन कर लिया करेंगे। नाम जो मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं है। मैंने सजावट रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। चलें जी लोकल होस्ट पे चलते हैं दोबारा से, और मैं पीएचपी माय एडमिन में चलता हूँ। अब वो जो ये वाली डेटाबेस थी बैच 9 के नाम की, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन बनी रहने देते हैं इसकी, हमें कोई मसला नहीं है। हम नए वर्डप्रेस के लिए नई वाली डेटाबेस जो है वो बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम wordpress.org पे जाएंगे, यहाँ से ये वाला सेटअप डाउनलोड करेंगे। जैसे ये सेटअप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अब जिन लोगों को पहले समझ नहीं आई थी वो देख लें ज़रा उसको गौर से। wordpress.org पे गए, वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड किया, और यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई, उसको मैंने यहाँ से शो इन फोल्डर किया। इस फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और इस फाइल को मैं करता हूँ यहाँ से एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो उसकी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे एक वर्डप्रेस का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ये वर्डप्रेस का फोल्डर एक बन चुका है, उसके अंदर सारी की सारी ये कोर फाइल्स मेरे पास मौजूद है। अब मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज करके कुछ और रख लूँ, इसका नाम मैं चेंज करके ABC रख लेता हूँ,
ठीक है, तो मैं इसको एबीसी से कॉल कर लूँगा, मैं लोकल होस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अब लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखने की बजाय अब मैं उस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ लोकल होस्ट स्लैश एबीसी। ठीक है, एबीसी लिखा तो ये दोबारा से उसका जो इंस्टॉलेशन विजर्ड था वो सारे का सारा स्टार्ट हो गया। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट की, कंटिन्यू किया और उसने ये वार्निंग दी कि ये चार चीज़ें पहले से रेडी कर लें। मैंने यहाँ पे न्यू एक डेटाबेस क्रिएट की और उस डेटाबेस का नाम मैंने वर्डप्रेस रख दिया। वर्डप्रेस रख लें या जो भी आप रखना चाहते हैं, आप ई रोजगार रख लें। ई रोजगार के स्पेलिंग मैंने देख लिए, यहाँ से क्रिएट किया इसको, डेटाबेस क्रिएट हो गई, वापस आया और मैंने कहा जी ठीक है मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। वर्डप्रेस में गया, वर्डप्रेस को डिलीट करके मतलब यहाँ से जो भी मेरी डेटाबेस का नाम था मैंने उसको डेटाबेस का नाम दिया। मेरी यूज़र नेम जो पीएचपी माइडमिन का जो डेटाबेस होता है उसका यूज़र नेम होता है रूट। हमेशा आप लोग जब लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करेंगे तो यूज़र नेम रूट ही दिया करेंगे और पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया करेंगे। इसको मैंने पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ा, जो भी लिखा था यहाँ पे उसको मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया और रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे साइट का टाइटल जो भी रखना चाहते हैं आप, साइट का टाइटल पहले हमने सजावट हाउस रखा था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लें। मैंने अब डेपर डॉट रिव्यूज रख लिया, डेपर रिव्यूज। ठीक है, डेपर रिव्यूज मैंने नाम रखा, उसको मैं एडमिन और एडमिन से लॉगिन किया करूंगा। अपनी मर्जी का यूजर नेम और पासवर्ड रखना है आप लोगों ने, जिस यूजर नेम और पासवर्ड से आप उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन किया करेंगे। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, यूज ऑफ वीक पासवर्ड, यहाँ पे मैंने इसको अपना ईमेल दे दिया और वर्ड यहाँ पे कह दिया जी इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये अभी तक हम लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही लॉग इन करेंगे तो अब मैं इसको उसी यूजर नेम और पासवर्ड से एडमिन और एडमिन लॉग इन करेंगे तो मेरे पास अब वो डैशबोर्ड जो है वो खुल जाएगा। सर, इंस्टॉलेशन एक दफा ही करनी है या फिर हर दफा हर साइट के लिए सेपरेट इंस्टॉलेशन एक दफा ही करनी पड़ती है? हर दफा हर साइट, यार ये क्या लिख रहे हो आमिर? हर एक वेबसाइट, जब भी आप कोई नई वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करते हो तो उसके लिए आप नई इंस्टॉलेशन जो है वो करते हो। ठीक है, जब आपने एक दफा एक साइट के लिए इंस्टॉलेशन कर ली उसके बाद आपने उस वेबसाइट को डेवलप करना होता है, बार बार इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल लॉगिन करते हो और काम करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब नई वेबसाइट बनानी है आपने तो नया वर्डप्रेस डाउनलोड करके आप ज़ैम्प के अंदर रखेंगे और सोन फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, एक साइट के लिए एक दफा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है बस। अच्छा जी, आ जाए जरा अपीयरेंस के अंदर, मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इसका डेमो दे देता हूँ। अभी हमारी जो वेबसाइट है मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ तो लोकल होस्ट स्लैश एबीसी। ठीक है, मैंने क्योंकि वो एबीसी के नाम का फोल्डर बनाया था तो इस वजह से मैं अब उसको एबीसी से कॉल किया करूँगा। तो यहाँ पे देखें, डेपर रिव्यूज के नाम की एक वेबसाइट जो है वो मेरे पास, उसकी सैम्पल पेज जो है वो बन चुका है। सर, साइट का टाइटल चेंज भी कर सकते हैं आप, एक एक पिक्सल के ऊपर जाके चेंजिंग कर सकते हो राणा साहब, डोंट वरी, हम यहाँ पे हर एक चीज को चेंज कर देंगे, डोंट वरी। अभी ये देखें, मैं जाता हूँ जरा अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पे एक सेक्शन है अपीयरेंस का और अपीयरेंस का एक सब ऑप्शन है थीम्स। ठीक है, आप लोगों को मैंने थोड़ा सा शायद थीम्स के बारे में बताया था कि थीम क्या होता है, आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है कि आपकी वेबसाइट लगती कैसी है। ठीक है, और उस वेबसाइट के ऊपर आप किस किस तरह काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी फिलहाल जो थीम इंस्टॉल था वो था 2020, तो 2020 बड़ा मनहूस साल है इसलिए हम इसका जो है वो थीम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम जो है कोई और थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट सपोज हम 2017 में चलते हैं और 2017 वाला जो थीम है उसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट किया और अब वापस आया, इसको मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो अब देखते हैं इसकी लुक चेंज होती है कि नहीं। तो देखें जरा, सारी की सारी लुक जो है वो चेंज हो गई, कि एक पिक्चर लग गई यहाँ पे अच्छी सी, डेपर रिव्यूज यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं तो इस तरह की चीजें जो है वो अब मेरे पास आनी शुरू हो गई है। तो मतलब ये थीम जो है वो आपकी वेबसाइट का लेआउट होता है,
और उस लेआउट के जरिए आप मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस जो हैं वो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये टाइमिंग कहाँ से डिस्कस होने लगी है जी कमेंट्स के अंदर, हम यहाँ पे वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल है। लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर किसी को मसला है किसी भी किस्म का तो वो बता दे। लोकल होस्ट पे सब लोगों को क्लियर हो गया या नहीं? 11:50 हो गए हैं, ठीक है, अभी हमारे पास 40 मिनट बाकी हैं, और लाइव सर्वर पे भी इंशाल्लाह आज ही हम जो है वो इंस्टॉलेशन सीखेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा मलिक मौजम साहब, सर ये पिक्चर खुद से अपलोड करनी हो तो अभी आप कस्टमाइजेशन की तरफ ना जाएं, अभी जो मैंने सवाल पूछा है कि इंस्टॉलेशन में कोई मसला है या नहीं, आप इसकी जगह पे अपनी पिक्चर छोड़ें, अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि एक एक पिक्सल के ऊपर जाके आप चेंजेस कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, उसको फॉलो करो, जब हम करेंगे इंशाल्लाह तो फिर ये देखेंगे कि कैसे पिक्चर चेंज करनी है। जोफिशा क्या एरर आ रहा है? चलें अब जरा चलते हैं हम लाइव सर्वर की तरफ। अच्छा अब लाइव सर्वर क्या होता है? लाइव सर्वर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको एक डोमेन खरीदना पड़ती है और एक होस्टिंग खरीदना पड़ती है। मैंने जैसे बहुत सारी मेरी होस्टिंग्स और डोमेन्स जो हैं वो hostingyo.com से ही मैंने खरीदी हुई हैं। एक्चुअली ये मेरा स्टूडेंट ही है और मेरे सारी की सारी डोमेन्स जो हैं अक्सर बल्कि वो इसी के सर्वर के ऊपर चल रही हैं और अच्छा रिस्पांस कर रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको व्हाट्सएप के ऊपर बता देता हूँ कि भाई मुझे ये डोमेन और ये वाली होस्टिंग चाहिए, तो मुझे उस डोमेन के साथ उस होस्टिंग को कनेक्ट करके एक सी पैनल मुझे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मेरी जो कौन सी वेबसाइट आजकल फ्री पड़ी है उसके ऊपर मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बता देता हूँ। rankme.today आई थिंक सो, ये फ्री है, हाँ ठीक है, तो rankme.today वेबसाइट है मेरी, ठीक है, जो मैंने इन्हीं से होस्टिंग यो वालों से खरीदी है। मैं क्या करता हूँ, अब उसने मुझे जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है आपका यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। लेकिन इस लाइव सर्वर को लॉगिन करने के लिए अब हमने पहले इसके कंट्रोल पैनल में जाना है, इस डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाना है। कब जाना है? जब वो हमें होस्टिंग और डोमेन का पासवर्ड जो है वो दे देगा, सी पैनल का पासवर्ड जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। स्लैश सी पैनल लिखूंगा मैं, अपनी डोमेन का नाम लिखूंगा, लेट सपोज dapper.reviews है तो dapper.reviews/cpanel, selfsky.com है तो selfsky.com/cpanel। अभी एक वेबसाइट है rankme.today, ये मैंने किसी दौर में खरीदी थी लेकिन उसके ऊपर मैं काम नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से, तो वो अभी फ्री पड़ी है, rankme.today/cpanel, ठीक है, तो rankme.today/cpanel लिखा, cpanel means कंट्रोल पैनल, और इस कंट्रोल पैनल के अंदर सारी की सारी चेंजेस इस डोमेन होस्टिंग के रिलेटेड जो है वो हम कर सकते हैं, फाइल्स स्टोर करवानी है, डिलीट करनी है, नई फाइल्स जो है वो एड ऑन करनी है, पुरानियों को एडिट करना है, या फिर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है, डेटाबेसिस क्रिएट करनी है, सारे का सारा जितना भी काम है वो हम इस कंट्रोल पैनल के अंदर जाके किया करेंगे। तो सी पैनल में चलते हैं जरा, rankme.today/cpanel, ये मैं लाइव सर्वर के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जब आप लोगों का लाइव सर्वर होगा तो आप लोगों का एक डोमेन नेम होगा, जैसे जूफिशा अर्शद है तो हो सकता है जूफिशा ने अपनी वेबसाइट एक बनाई हो, डोमेन ली हुई हो zoofisha.com के नाम से, ठीक है, तो वो क्या करेगी, zoofisha.com/cpanel में जाएगी और सबसे पहले उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगी, और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करके वहां पे पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो बना रही होगी, और वो zoofisha.com जो है वो फिर सारे लोग जो है उसको देख सकेंगे कि zoofisha.com वेबसाइट जो है वो कुछ ऐसी लगती है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, अगर मुझे इसका लॉगिन याद हो तो, लग रहे लग जाए, अरे वाह पहली बार में ही लग गया, ठीक है, तो मैंने लॉगिन किया तो मुझे जो है वो इस किस्म का एक कंट्रोल पैनल जो है वो मिल गया, जिसके अंदर
फाइल मैनेजर है एक पूरे का पूरा, जिसके अंदर मैं पूरी फाइल्स को मैनेज कर सकता हूँ। असल में ये फाइल मैनेजर, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ फाइल्स दिखाता है, और इन फाइल्स के अंदर एक फोल्डर आप लोगों को मिलेगा पब्लिक अंडरस्कोर HTML का। आप लोगों को याद होगा लोकल होस्ट पे हमने एक फोल्डर पढ़ा था HTDocs का। सेम वही काम जो वहां पे HTDocs करता है, लाइव सर्वर पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML करता है। और इस फोल्डर के अंदर ला के आप वर्डप्रेस की फाइल्स को रख के, या फिर आपकी कोई HTML की फाइल है, कोई PHP की फाइल है, वो आप इसके अंदर रखेंगे, आप इसको एक्सेस करेंगे डोमेन के ऊपर जाके, तो डायरेक्टली सारे का सारा जो है वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML का एक फोल्डर आप लोगों को मिलेगा। जूम कर देता हूँ, ये फोल्डर है जी यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML। तो ये फोल्डर आपकी रूट डायरेक्टरी होता है लाइव सर्वर के ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी लाइव सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना जो है वो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू लोकल होस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐप इंस्टॉलर मिलता है। ठीक है, जैसे वो प्ले स्टोर के ऊपर होते हैं ना, इंस्टॉल कर देते हैं आप, सिंपल जाके ऐप का नाम लिखते हैं, वहाँ पे डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं, तो इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब इसी किस्म का एक आपको ऐप इंस्टॉलर मिलेगा। आप सबसे नीचे जाएंगे इस सी पैनल को लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर का। ठीक है, और यहाँ पे पहली ही जो ऐप नजर आ रही है आप लोगों को वो है ये वर्डप्रेस के नाम की। तो इस हमने क्योंकि वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है, तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी जो मेरी वेबसाइट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, रैंक मी डॉट टूडे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जैसे वहां पे वो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड कहता था, इसी तरह वो कह रहा है 403 फॉरबिडन एरर है। जब आपने किसी डोमेन के ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया होता तो ये एरर आप लोगों को अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि 403 एरर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया कि लॉगिन किया सी पैनल को, सबसे नीचे आया तो वहां पे सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर था, वहां पे मैंने वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो मेरे पास इस तरह का एक सेक्शन जो है वो मुझे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, तो वो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए उसने एक फॉर्म फिल करने को मुझे कह दिया, और वो फॉर्म जो है वो मैंने फिल करना है और सिंपली जो है वो चीज़ों को उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो कहता है कि चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल। तो अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो यही है 5.4.1, तो उसको मैंने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे से HTTPS HTTP HTTP और साथ www ये आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो आमतौर पे जो हम यूज करते हैं वो होता है HTTPS। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड वेबसाइट्स। ठीक है, जिन वेबसाइट्स के स्टार्ट में HTTPS लगा होता है लोग उसके ऊपर ज़्यादा एतबार करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल होता है, और उसके ऊपर लोग आसानी से आके अगर पेमेंट करना चाहते हैं आपको तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन चक्करों में नहीं पड़े, अभी सिंपल आपने HTTPS यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से वो डोमेन सिलेक्ट करनी है जिस डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। हो सकता है आप रैंक मी डॉट टूडे के साथ साथ कोई और डोमेन भी इसी सी पैनल के ऊपर होस्ट कर रहे हो, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उस डोमेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे इस सी पैनल के अंदर एक ही डोमेन है। ये है जी डायरेक्टरी। क्या आप मेन डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं या किसी डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं? जैसे हमने लोकल होस्ट के अंदर HTDocs के अंदर अपनी एक डायरेक्टरी बना ली थी ना ABC के नाम की, इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है अगर WP की डायरेक्टरी के अंदर आपने इंस्टॉल करना है तो मैं WP की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दूंगा। ये देखें इन डायरेक्टरी लिखा हुआ है ना, और फिर उस WP की डायरेक्टरी के अंदर मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना हमने, हमने क्या करना है, हमने अपनी रूट डोमेन के ऊपर ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कि रैंक मी डॉट टूडे लिखूं तो मेरी वेबसाइट नजर आ जाए, बजाय इसके कि मुझे रैंक मी डॉट टूडे स्लैश WP लिखना पड़े। ठीक है, तो मैं यहां पे से WP को रिमूव कर देता हूं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। साइट का नाम माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग चेंज करना है तो चेंज कर लें, जैसे हमने अपनी वेबसाइट के नाम पे हम रख लेते हैं इसको रैंक मी टुडे, ये हम उसका नाम रख लेते हैं। इसका कोई अगर टैग लाइन आप रखना चाहते हैं एक लाइन की तो आप रख लें। ठीक है, कोई भी टैग लाइन रख लें आप, वी आर हेयर
रैंक यू इन गूगल, जो भी आपने इसका रखना है। फिलहाल अभी मुझे यही नजर आ रहा था, तो हमने इसका एडमिन और पासवर्ड रखना है जो भी यूज करना है। इसका मैं एडमिन, यूजर नेम एडमिन ही रख देता हूँ। पासवर्ड, अब ये लाइव सर्वर है तो कोई और इसको एक्सेस ना कर ले, इसलिए मैं इसका कोई स्ट्रांग पासवर्ड जो है वो रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडमिन का कोई ईमेल भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप ईमेल भी बना लें, admin@rankme.today। इस ईमेल के ऊपर आप ईमेल करवा के अगर कहीं कभी कभार खुदा ना खास्ता आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप इस ईमेल के ऊपर ईमेल करवा के अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। WP की जगह कुछ नहीं लिखना, WP को आपने ब्लैंक कर देना है, ठीक है। डायरेक्टरी वाला जो फोल्डर है, डायरेक्टरी वाला जो ये आपको फील्ड मिलेगी उसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आपने डायरेक्ट rankme.today या जो भी आपकी यहाँ पे डोमेन होगी उसके ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ जरा। यहाँ पे मैंने उसका एडमिन और यूजर नेम दे दिया जैसे हमने वहां पे दिया था लाइव लोकल होस्ट पे। यहाँ से मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और एक प्लगइन भी, वो कहता है कि ये प्लगइन्स अगर आप चाहें तो इनमें से इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं क्लासिक एडिटर का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ ही। ज़रूरी नहीं है, मतलब इसके बगैर भी इंस्टॉलेशन हो जाती है, लेकिन क्लासिक एडिटर एक पुराना एडिटर है और मुझे आदत है उसी एडिटर के अंदर काम करने की, तो क्योंकि हम पुराने लोग हैं ज़रा, तो नए एडिटर जो हैं वो इतने पसंद नहीं आते हमें, इसलिए पुराने एडिटर्स के ऊपर ही हम काम करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस का ये एक प्लगइन है जिसको हमने साथ ही इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, फिर उसके साथ साथ वो कहता है कि अगर स्टार्ट में आप कोई थीम भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से इस थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ कि वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो इस ईमेल के ऊपर वो ईमेल कर देगा और मेरा जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड रखा होगा वो मुझे इस ईमेल के ऊपर मौसूल हो जाएगा। वैसे तो मैंने क्योंकि खुद ही इंस्टॉल किया है तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड पता लग जाएगा। ले जी, अब चलते हैं जरा rankme.today के ऊपर दोबारा से। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब देखें जी, वही जो थीम हमने वहां पे कहा था कि स्टार्ट में इस थीम को इंस्टॉल कर दो, तो वो वाला थीम भी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ गया कि वो इंस्टॉल हो चुका है और अभी एक ब्लैंक बिल्कुल वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसका, अगर मैंने इसका डैशबोर्ड अब लॉग इन करना है तो rankme.today लिखूंगा /wp-admin, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो अब मैं वो यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा जो मैंने इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान लिखा था, तो admin और पासवर्ड लिखा। और इसको लॉगिन कर लिया। लें जी, अब मेरा जो लाइव सर्वर है उसके ऊपर भी मेरी जो वेबसाइट है वो जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आके मैं इसको दोबारा से देख सकता हूँ। विजिट साइट किया तो ये rankme.today एक वेबसाइट जो है वो बन चुकी है और इसके ऊपर हमने ये फलां थीम जो है वो इंस्टॉल कर लिया। यहां तक कोई मसला है तो आप लोग अब बताएं कि लाइव सर्वर के अंदर ये मसला है। सर्वर वर्डप्रेस का कोई और वर्जन डाउनलोड, हाँ जी पुराना वर्जन भी डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर, लोकल होस्ट और लाइव सर्वर पे फीचर्स का फर्क है? फीचर्स का फर्क नहीं है, असल में बात यह है कि आप जब लोकल होस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों में आप लोगों को कुछ थीम्स जो हैं वो प्रीमियम थीम्स देना शुरू कर देने हैं और उसके ऊपर हमने इंशाल्लाह कस्टमाइजेशन जो है वो सीखनी है, जो मार्केट के अंदर जो थीम्स चल रहे हैं जो इन है और क्लाइंट्स जिनकी डिमांड करते हैं, तो फिर जब उन थीम्स को आप लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करोगे ना तो वो फिर ऐसे ही है कि आप पेंटियम 4 के ऊपर जो है या फिर कोई पुराना सिस्टम जो है उसके ऊपर आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर लो, ठीक है, तो फिर वो हैवी हो जाएगा ज़ैप के लिए या फिर वेब के लिए, उसके लिए हम लाइव सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम थीम कैसे ऐड कर सकते हैं ये देखेंगे, हमने पहले तो थीम बनाना है कि खुद से पहले थीम बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसको ऐड कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं, या थीम इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। सर, लाइव सर्वर रिपीट करते हैं। राणा साहब क्या हो गया है,
क्या मसला आ रहा है लाइव सर्वर पे बताएं, या किस स्टेप के अंदर मसला आ रहा है बताएं। वो वाला स्टेप रिपीट कर देता हूँ जहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन है। अच्छा जी, ऑन रजा साहब भी कह रहे हैं कि स्टार्ट से रिपीट कर दें। और कौन कौन कह रहा है जी रिपीट कर दें। अब भी अगर इंस्टॉलेशन ना हुई ना तो फिर देखना जरा। सैफुल्ला अवान, ये वेबसाइट हम कैसे लेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखें, आपने अभी स्टार्ट में अगर वेबसाइट खरीदने की बात करते हैं, या आप लोकल होस्ट के सॉरी लाइव सर्वर की डोमेन और होस्टिंग खरीदने की बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया है कि आप अपना एक नाम जो है वो चूज़ कर लें कि मेरी वेबसाइट का नाम ये होगा। लेट सपोज isufyan.com मैं अपनी पोर्टफोलियो के लिए जो है वो बना लेता हूँ। ये तो मेरा ख्याल है अब एक्सपायर भी हो गई होगी। हाँ जी, एक्सपायर हो चुकी है। इस तरह की कोई वेबसाइट है, या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट है, आपके अपने नाम की हो सकती है, जैसे kamran.com, kamranakil.com, ठीक है। इस तरह की कोई वेबसाइट, कोई भी नाम आप लोग परचेज कर लेंगे, और आप सिंपल क्या करेंगे कि hostingyour.com के ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को मसला आ रहा है। आप सिंपल क्या करेंगे, hostingyour.com के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक नंबर नज़र आ जाएगा उसका। वैसे उसने ये व्हाट्सएप के ऊपर आइकन भी बनाया हुआ है, ये नंबर है जी उसका। आप सिंपल इसको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे और इसे कहेंगे कि मुझे फलां डोमेन, अगर वो अवेलेबल हुई तो वो आप लोगों को दे देगा फलां डोमेन, और जो है वो ये फलां होस्टिंग का पैकेज जो है वो मुझे दे दें। इस होस्टिंग के पैकेज के अंदर वो आप लोगों को डोमेन जो है वो अटैच करके दे देगा, और आप लोगों का सी पैनल जो है वो रेडी करके आप लोगों के हवाले कर देगा। आपने सिंपल क्या करना है, उस डोमेन के सी पैनल में जाना है। जैसे आपकी वेबसाइट का नाम अगर लेट सपोज isufyan.com है, ठीक है, आपने ये वाली डोमेन खरीदी है, स्लैश आप सी पैनल लिखेंगे, तो अब आप कहाँ पे चले जाएंगे, उसके सी पैनल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ये डोमेन एक्सपायर हो चुकी है तो मुझे इसको पहले रीन्यू करवाना पड़ेगा, इसलिए मुझे अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं रैंक मी डॉट टूडे पे जाता हूँ। जैसे मैंने अगर ये वाली वेबसाइट खरीदी है तो रैंक मी डॉट टूडे स्लैश सी पैनल लिखेंगे। सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड वो आप लोगों को बताएगा, वो आपको देगा यूजर नेम और पासवर्ड। आप चाहें तो उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उस यूजर नेम और पासवर्ड को आप यहाँ पे लिखेंगे और लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो खुल जाएगा। इसके ऊपर सिंपल आपने जाके नीचे, सबसे नीचे जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने उस साइट को बनाना शुरू कर देना है। साइट एक्सपायर ड्यूरेशन क्या होती है? मलिक मोहसिन साहब, आप 1 साल के लिए खरीदते हैं इसको, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग को, और अगले साल फिर उसको रीन्यू करवा देते हैं। अच्छा जी, बिलाल कह रहे हैं कि सर हम डोमेन कहाँ से चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। लें जी, अब ये भी बताना पड़ेगा। हम आते हैं जरा यहाँ पे इंस्टेंट डोमेन सर्च, गूगल पे लिखेंगे आप इंस्टेंट डोमेन सर्च, ठीक है। तो ये पहला ही लिंक जो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, ये पहली तो ऐड है और फिर उसके बाद डोमेन नेम सर्च है, ठीक है। और ये आपको इंस्टेंट डोमेन नेम जो सर्च है, यहाँ पे आप इंस्टेंटली सर्च कर सकते हैं कि फलां डोमेन जो है वो अवेलेबल है या नहीं। तो अगर आप लेट सपोज कोई क्लोदिंग शॉप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी बेस्ट फीमेल चॉइस, ठीक है, कोई भी आपने अपना नाम रखना है। तो अब ये बेस्ट फीमेल चॉइस डॉट कॉम के नाम की एक वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इसने इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दिया। अब इसकी प्राइस क्या होगी, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आपने फिलहाल बेस्ट फीमेल चॉइस डॉट कॉम जो है अगर ग्रीन हो गई तो आपने, अगर आपको पसंद है ये वाली डोमेन तो आप जाके उसको बता सकते हैं कि सर ये वाली जो डोमेन है वो आप मेरे लिए खरीद दें, ठीक है। इसी तरह सर्च करके देख लें, अगर मैं बेस्ट फीमेल चॉइस लिखता हूँ सिंपल, ठीक है, तो फीमेल चॉइस जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसका ब्लू कलर हो गया है, लेकिन किसी ने बाय की हुई है ऑलरेडी और उसने उसको परचेज के लिए लगाया हुआ है 6,000
$70 के अंदर, ठीक है? बेस्ट कौन सा रहेगा पैकेज? ये तैयब आपकी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की वेबसाइट बनाने जा रहे हो। आप सिंगल वेबसाइट बनाने जा रहे हो, सिंगल पेजर है, एक ही वेबसाइट उसके अंदर मैनेज करनी है, या फिर आपने मल्टीपल डोमेन्स जो हैं वो एक ही होस्टिंग के अंदर लगाना चाहते हो, ठीक है? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग होस्टिंग बार बार लेने की बजाय एक ही बड़ा पैकेज होस्टिंग का ले लो। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की डोमेन्स आपके एक ही सी पैनल के अंदर अटैच हो जाएंगी। तो डोमेन्स मल्टीपल हो सकती हैं एक एक होस्टिंग के अंदर, लेकिन अगर आप ये वाला पैकेज खरीदते हो तो इसमें आपको एक ही डोमेन मिलेगी। माई आई थिंक सो। हाँ, ये देखें, इसमें एक ही डाटाबेस बन सकती है, इसमें दो डाटाबेसेस बन सकती हैं, और इसमें डाटाबेसेस अनलिमिटेड है, तो इसमें जितनी चाहें आप उतनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। कितने लोग हैं सर? ये लाइव सर्वर पे प्रैक्टिस करने के लिए डोमेन बाय करना पड़ेगी या फ्री वाला कोई फंडा है इसमें? अब फ्री वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। लाइव सर्वर में इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है अपने क्लाइंट्स के साथ डील करने का। देखिए ना, आपकी अपनी वेबसाइट हो, लेट सपोज आपका नाम क्या है जी? बिलाल देओल। आप यहाँ पे गूगल के ऊपर लिखें जी बिलाल देओल .com, ठीक है? तो वो एक पूरी की पूरी वेबसाइट खुले और गूगल के ऊपर लोग कहीं पे भी दुनिया के अंदर बैठ के बिलाल देओल .com लिखें और उसको पता लग जाए कि बिलाल देओल है कौन और वो क्या करता है, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया, उसका पास्ट वर्क क्या है। तो इसलिए मैं रिकमेंड आप लोगों को करता हूँ कि आप लोग फ्री वाला जो है वो काम ना करें। उसके ऊपर एक तो उसका सर्वर बार बार डाउन जाता है, आपकी कभी वेबसाइट खुलती है कभी नहीं खुलती, फिर उसके बाद हैकिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है। इसलिए जो पहले मैं कर देता था रिकमेंड कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर वो जब मसला आता है, उन्होंने इतना काम किया होता है और वो ज़ाया हो जाता है, फिर मुझे भी दुख होता है। तो फिर इससे अच्छा ये है कि हम थोड़े से पैसे लगा लें और एक प्रोफेशनल वे के अंदर काम कर लें, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है? और साथ साथ अगर हम अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या फिर हम क्लाइंट के लिए बाय कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी वेबसाइट एक बना लें। मुदस्सर, ये इंटरनेशनल सर्वर ही है, अमेरिका से होस्टेड है ये जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, ठीक है? ये पाकिस्तानी सर्वर नहीं है, ये यूएस के अंदर होस्ट हुआ हुआ है। लाइफ टाइम नहीं मिलती वेबसाइट? अब अरसलान, वो पे करना पड़ता है ना आपको, फिर पर ईयर के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं और ये इंटरनेशनली यही रूल होता है। बहरहाल हमारा टॉपिक कुछ और था, सब लोग होस्टिंग की तरफ निकल आए हैं, ठीक है? हमारा टॉपिक था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हमने आज पढ़ी है लोकल होस्ट के ऊपर भी और लाइव सर्वर के ऊपर भी। अभी भी इस एवान में कोई ये कहता है कि मुझे इंस्टॉलेशन के अंदर मसला है, तो वो सामने आए, उसके मसले को हम सॉल्व कर लेते हैं। किस किस को मसला आ रहा है जी? वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में किस किस को मसला आ रहा है? अच्छा, अब इससे अगली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं जरा। हम चलते हैं अब फाइबर डॉट कॉम के ऊपर। अक्सा कह रही है सर, अगर हम किसी क्लाइंट के लिए बाय करते हैं तो क्या उसके लिए भी पर मंथ ही पे करना पड़ेगा? अक्सा, पर मंथ पे नहीं करते वो, उसने प्राइस बस पर मंथ लिखी हुई है, लेकिन आपको पे ये पर ईयर के हिसाब से ही करना पड़ता है। एक साल के लिए आपको बाय करना पड़ता है, एक एक महीने के लिए ये नहीं देते, या पर मंथ के हिसाब से नहीं होता, एक साल के लिए होता है ये। अलीशा, एक साल के लिए। अच्छा जी सर, अब के टाइम आप प्रैक्टिस के लिए क्या रिकमेंड करोगे, लोकल होस्ट या लाइव? जब तक आप, मेरा तो रिकमेंडेशन की अगर बात करें ना, तो मैं स्टार्ट से ही आप लोगों को प्रोफेशनली लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है, अगर कुछ लोग पे नहीं कर सकते, मतलब 2500 3000 रुपया हो सकता है कि किसी के लिए जो है वो ना हो पेएबल इतनी आसानी से, तो फिर आप लोग लोकल होस्ट के ऊपर अभी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? जैसे ही कोई अल्लाह ताला सबब अच्छे पैदा करता है, आप लोगों को ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप लाइव सर्वर खरीद लीजिएगा, जैसे आपको आसानी लगती है वैसे करें, लेकिन प्रोफेशनल वे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, अपने आपकी अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने का, अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रोफेशनल वे है वो लाइव सर्वर ही है।
जुल्फिशा, आपको जो भी मसला आ रहा है आप उसके स्क्रीनशॉट मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे आपका मसला सॉल्व नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको क्या मसला आ रहा है, आप एलेबोरेट नहीं कर पा रही सही तरह से अपने प्रॉब्लम को। अपने स्क्रीनशॉट लें और मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं उसको देख लेता हूँ लेक्चर के बाद। ज़ीशान असलम, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ेगी लाइव सर्वर के लिए, और वो परचेज़ कैसे करनी है वो भी मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है। अच्छा जी, अच्छा मैं फाइवर पे आया था आप लोगों को सिर्फ ये बताने कि आज जो स्किल हमने डिस्कस की है उसका स्कोप फाइवर के ऊपर क्या है। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिखता हूँ या वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखता हूँ सिंपल सर्च बार के अंदर, तो मुझे 4,442 सर्विसेज जो हैं वो मिल जाती हैं। और वो कहता है कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप लाइक डेमो विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर वो कहता है मैं आपको वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो इंस्टॉल करके दूंगा और थीम इंस्टॉल करके दूंगा। तो थीम इंस्टॉल कर सीख लिया ना हमने, कितना सिंपल है जी। अपीयरेंस के अंदर जाते हैं थीम्स वाले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ से थीम इंस्टॉल कर लेते हैं कोई भी। और अगर कोई वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से थीम इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ किसी भी थीम को, सर्च करके यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन वो बहरहाल हम एक और टॉपिक के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद कह रहे हैं जी आई विल इंस्टॉल माइग्रेट वर्डप्रेस, आई विल इंस्टॉल एंड कस्टमाइज योर वर्डप्रेस थीम फॉरेस्ट थीम, आई विल इंस्टॉल कन्फिगर एंड कस्टमाइज थीम, आई विल इंस्टॉल एंड सेटअप अ वर्डप्रेस थीम वेबसाइट। तो सिंपल बताने की बात यह है कि कितने लोग हैं। अब ये अगर मैं इस सेलर को देखूं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, आई विल इंस्टॉल HTTP टू HTTPS, इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट और SSL फिक्स वर्डप्रेस साइट। ये क्या कर रहा है वो हम करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। वो सिंपल ये कर रहा है, लोकल होस्ट सॉरी लोकल होस्ट पर नहीं जाना, रैंक मी डॉट टूडे पर जाता है वो, /cPanel। सी पैनल पे गए, उसको लॉगिन किया, ठीक है। यहां पे एक सेक्शन आप लोगों को मिलेगा सिक्योरिटी का, ठीक है। सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर एक सब ऑप्शन है लेट्स इनक्रिप्ट SSL। SSL इंस्टॉल करना हो जब आपने अपनी होस्टिंग के ऊपर, SSL क्या होता है अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, रैंक मी डॉट टूडे से पहले एक लॉक लगा हुआ है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कनेक्शन इज सिक्योर्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर्ड है और इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट जो है गूगल की तरफ से वो इंस्टॉल कर दिया गया है। उसको फिर भी और ज्यादा इंश्योर करने के लिए मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ लेट्स इनक्रिप्ट SSL के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग री इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसको और दोबारा से भी इसको SSL सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। मैं इशू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये इसके सी पैनल पे भी वेब मेल पे भी सब चीज़ों पे SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करके इशू के ऊपर दोबारा से क्लिक कर दिया तो मेरा अभी एक मैसेज जो है वो आप लोगों को शो करवा देगा, उसको देख लें जरा वो क्या कहता है। वो कहता है कि SSL सर्टिफिकेट इज नाउ इंस्टॉल्ड ऑन टू द डोमेन रैंक मी डॉट टूडे, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इस इतना सा काम है एक SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना एक डोमेन के ऊपर, इतने से काम के वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है, 837 रुपये, मतलब $5, $5 चार्ज कर रहे हैं एक डोमेन को इंस्टॉल करने के SSL सर्टिफिकेट। कोई पैसा नहीं लगा, सिंपल उसने क्या किया, फाइल मैनेजर के अंदर सॉरी सी पैनल के अंदर गया, डोमेन का नाम लिखा /cPanel, उसके बाद नीचे आया तो लेट्स इनक्रिप्ट SSL का एक ऑप्शन था और वहां से उसने उस SSL को इशू कर दिया। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये अभी तक कितने पैसे बना चुका है, 837 रुपये की एक सर्विस देता है एक क्लाइंट को और इसके 449 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 449 मल्टीप्लाई बाय 847 है, कितने हैं वो, 837, 837, तो ये तकरीबन
कोई 3,75,813 रुपये इस एक गिग से कमा चुका है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर इतना सा काम, छोटी छोटी सी सर्विसेज भी अगर आप फाइवर के ऊपर बेचना शुरू करें, तो उन सर्विसेज से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन काम सिंपल इतना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, उसको इंप्लीमेंट करें। खुदा रहा, आप पहले हमें पूरा एक आइडिया हो फाइवर के एल्गोरिदम का, कि फाइवर के ऊपर गिग्स को रैंक कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अगर मैं बता रहा हूं, तो इसका मकसद इन चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने लिए कुछ नया करना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। जो है वो हमने एक सूदमंद इंसान जो है वो साबित होना है, बजाय इसके कि हम एक बोझ बन जाए इस धरती के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर। हमने अपने आप को कुछ इस तरह तराशना खराशना है, अपने आप को इस तरह इम्प्रूव करना है कि हम इस मुल्क की तरक्की के अंदर जो है एक प्रॉपर और एक अच्छा जो है वो कड़ी साबित हो सके। ठीक है सर, क्लाइंट उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है, ये लाइसेंस बनवाने के लिए, ये कोई और बात। बिल्कुल वही सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड वो आपको देगा, आप उसके सी पैनल और यूजर नेम के पासवर्ड को से लॉग इन करके सी पैनल के अंदर उसको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके दे देंगे बस। हाँ जी, वो अपना डोमेन और सी पैनल देगा। मुदस्सर इकबाल का सवाल है कि सी पैनल को इंस्टॉल करने का मेथड सेम है, तो तकरीबन सेम है। कहीं पे लेट्स इनक्रिप्ट SSL लिखा होता है, कहीं पे SSL सर्टिफिकेट लिखा होता है। तो सिंपल आपने SSL सर्च करना है और वहां से आपने जाके जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, आप एक प्लगइन आप लोगों को मिल जाएगा। प्लगइन क्या होता है, थीम के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी जब आपने एड ऑन करनी होती है, तो उस फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करने के लिए आप प्लगइन का इस्तेमाल करते हो। तो एक प्लगइन आप लोगों को मिल जाएगा, उस प्लगइन का नाम होगा रियली सिंपल SSL। तो अगर आप ये वाला मेथड यूज नहीं करना चाहते जो मैंने अभी इशू करके लेट्स इनक्रिप्ट से किया, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, रियली सिंपल SSL से जो है वो उस प्लगइन को इंस्टॉल करके भी उस वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर SSL को इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, मैं डेमो दे देता हूँ। उसका पासवर्ड चेंज करके अपनी वेब भी बना सकते हैं क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। बनाएं, आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसका पासवर्ड चेंज करें पाकिस्तानी तरीके इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद ये करेगा क्लाइंट के आपकी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर इतना बुरा रिव्यू दे के जाएगा कि आइंदा आपको कोई क्लाइंट रिव्यू देगा ही नहीं, कोई क्लाइंट ऑर्डर करेगा ही नहीं। वो क्लाइंट जब रिव्यू के अंदर लिख देगा ना कि ये भाई साहब ने मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड लिया था, उसके बाद चेंज करके अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है, तो वो आपको कोई और क्लाइंट आके फिर अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देगा और आपकी फ्रीलांसिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम नहीं करना। मुझे नहीं समझ आती कि उल्टा क्यों सोचना शुरू कर देते हैं सब लोग। बहरहाल वापस आते हैं और मैं आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करना बता देता हूं कि हम वर्डप्रेस के ऊपर कोई प्लगइन जो है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हम पहले एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है जी मेरा उस वर्डप्रेस का, और पेजेस के अंदर मैं जाता हूं, यहां पे मैं पेजेस के अंदर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया और मैंने उस पेज का नाम रख दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अच्छा ये अभी फिलहाल ब्लॉग एडिटर यूज कर रहा है, इसके लिए मुझे क्लासिक एडिटर यूज करना है। तो मैं पहले प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊंगा, इंस्टॉल ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं एक नया प्लगइन जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्लासिक एडिटर, ये वैसे नीचे नजर भी आ रहा है मुझे, क्लासिक एडिटर के नाम से आप लोगों को एक प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, क्लासिक एडिटर पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहां से मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। तो अब जो है वो चीजों को जरा मैनेज करना आसान हो जाएगा। मैं पेजेस के ऊपर जाता हूँ और एक नया पेज जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, और उस पेज का नाम मैंने लेट सपोज रख लिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और मैंने यहां से इसको पब्लिश कर दिया।
ले जी एक पेज बन गया, इतना आसान काम है वेबसाइट के ऊपर पेज बनाना, ठीक है। तो लोकल होस्ट स्लैश समथिंग, और ये मेरे पास अब ये कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो बन चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पे शो हो, ठीक है, इस जगह पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन्यूज के अंदर जाना पड़ेगा, अपीयरेंस के अंदर जाता हूँ और मेन्यूज के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वो कह रहा है कि पहले एक मेन्यू क्रिएट करें, ठीक है। मैं उस मेन्यू का कोई भी नाम रख लेता हूँ, जैसे मैंने मेन मेन्यू उसका नाम रख दिया और यहाँ से मैंने उसको क्रिएट कर दिया, और इस मेन मेन्यू के अंदर मैंने ये दो पेजेस डाल दिए, कॉन्टेक्ट अस और सैम्पल पेज, इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया, ये दोनों यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। और यहाँ से मैंने अब सेव मेन्यू इसको कर दिया, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अपनी मेन पेज के ऊपर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कहीं दोनों चीजें? बिल्कुल नहीं नजर आ रही। इसका मसला ये है कि हमने यहाँ पे इसको, इसकी जो डिस्प्ले लोकेशन थी वो सेट नहीं की, तो डिस्प्ले लोकेशन हम सेट कर देंगे इसकी टॉप मेन्यू, और इसके बाद हम इसको सेव मेन्यू कर देंगे। तो अब दोबारा से मैं आके रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो अब आप लोगों को देखें यहाँ पे मेन्यू नजर आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस और सैम्पल पेज। सैम्पल पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैम्पल पेज वाला कंटेंट नजर आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो नजर आ जाएगा। अब कॉन्टेक्ट अस का मतलब ये है कि लोगों को आके यहाँ पे हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना है। अगर मेरे यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आना चाहते हैं तो वो जो है वो पहले मेरे मुझे एक फॉर्म फिल करके अपना मैसेज जो है वो मेरे तक पहुंचा दें। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म का, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है वो अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाता हूं, और यहां पे मैं ऐड न्यू करता हूं। मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, उसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म, FORM7, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को मैंने यहां से इंस्टॉल कर लिया। सिंपल है, देखें बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, कहीं पे आपको कोड नहीं लिखना पड़ रहा, कहीं पे आपने जो है वो कोडिंग नहीं करनी, प्रोग्रामिंग नहीं करनी, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपके पेजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बनते चले जाएंगे। और यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया तो मैं अब इसकी सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ। जब सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका एक शॉर्ट कोड मिलता है, इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, वापस आया पेजेस के अंदर, क्योंकि मैंने इस ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है इसको मैंने किसी पेज के अंदर इम्बेड करना है ना, तो कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर ही डालूंगा ना मैं इसको। तो मैं दोबारा से इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको, इसका जो वो कॉपी किया था शॉर्ट कोड वो मैंने इसके इस डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर आके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको अब अपडेट कर दिया। बस इतना सा काम था। इतना सा काम करने के बाद मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, और अब जब मैं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। तो कॉन्टेक्ट अस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखें पूरा फॉर्म खुल गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप आके आप अपना नाम लिखें। मैंने नहीं क्रिएट किया ये फॉर्म, ये प्लगइन ने बना दिया। अपना जो है वो नाम लिखें, अपना ईमेल लिखें, अपना सब्जेक्ट लिखें, अपना मैसेज लिखें और देन फॉर्म को सबमिट कर दें, तो आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। अब यही काम अगर आपको HTML और CSS के अंदर करना पड़ता तो आप लोग सोच नहीं सकते थे कि आपको कितना काम जो है वो लेंथी करना पड़ना था। तो इसका इसने जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें आसान कर दी। ये वाले प्लगइन अभी तक मैंने जितने पढ़ाए हैं सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है। ये इसके अंदर कोई कुछ भी पेड नहीं है, ये फ्री प्लगइन है, ठीक है। जो पेड होंगे वो फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कॉन्टेक्ट अस का एक पूरे का पूरा पेज जो है वो रेडी है, जिसके अंदर हमने सिंपल क्या किया, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन इंस्टॉल किया, उसका कोड उठाया और उस पेज के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। यहां तक किसी को कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फॉर्म लगाना आ गया सब लोगों को? लगा के देखें जरा अपने अपने वेबसाइट्स के ऊपर, एक फॉर्म लगा के बताएं मुझे। टाइम भी हो चुका है क्लास का, अभी तक का जितना हमने पढ़ा है वो सारे का सारा क्लियर हो गया या नहीं?
हाँ जी बिलाल, इस फॉर्म को भी एडिट करना हो तो हो जाएगा। लॉगिन और साइनअप का बनाना हो तो लॉगिन और साइनअप का प्लगइन आप लोगों को मिल जाएगा। बना बनाया आपको लॉगिन और साइनअप का प्लगइन मिल जाएगा। आपने सिंपल उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। अभी तक जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें कोई मसला है तो वो मुझे बताएं, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आज जो है हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पढ़ी है, इसको आप लोग अपने लाइव सर्वर या लोकल सर्वर जिस पे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको करें, ठीक है? और कम से कम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अंदर अब किसी को मसला नहीं आना चाहिए। शहरोज कह रहे हैं कि सर ये जो यूज़र मैसेज सेंड करेगा वो वेबसाइट के ओनर को ईमेल के फॉर्म में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो ईमेल दिया था उस ईमेल के इनबॉक्स के अंदर एक ईमेल आ जाएगी कि फलां यूज़र ने जिसका नाम ये है, जिसका ईमेल ये है, जिसका सब्जेक्ट ये है, मैसेज ये सेंड किया है, ठीक है? वो आप जो भी ईमेल आपने लगाया होगा ना स्टार्ट में, जैसे हमने लिखा था admin@rankme.today, ठीक है, तो वो उस ईमेल के ऊपर इनबॉक्स चला जाएगा। सर फाइवर पे नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? हाँ दिल कर रहा होगा ना फाइवर बार बार पढ़ने का। अभी फाइवर तकरीबन हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह ये एक दो लेक्चर्स अब वर्डप्रेस के होंगे और फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम फाइवर के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, वहाँ पे अपनी ईमेल दे सकते हैं आप लोग, लेकिन लोकल होस्ट के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ठीक है? लोकल होस्ट क्योंकि ईमेल सेंड नहीं कर सकता ना रिसीव कर सकता है, इस वजह से वहां पे ये काम नहीं चलेगा। हाँ अलबत्ता जब लाइव सर्वर के ऊपर आप इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस को तो वहां पे आप मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। ठीक है जी, गुड। मैं अभी ग्रुप के अंदर एक पोस्ट कर दूंगा और उसके अंदर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा, ठीक है? तो अपना अपना फीडबैक मुझे उस पोस्ट के अंदर लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं सही तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं। जो भी मसले मसाइल हैं अगर आपको वो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं, और आपको आपका अभी तक का एक्सपीरियंस जो है वो इस ट्रेनिंग का कैसा रहा वो आप लोग उसके अंदर कमेंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे। अच्छा अक्सर आपका जो सवाल है ना, देखें जब आपका क्लाइंट आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहा है, अब देखें मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैं आपसे आके कहता हूँ कि यार मैंने डोमेन और होस्टिंग इंस्टॉल डोमेन और होस्टिंग जो है वो मैंने खरीद ली है, अब मुझे उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना है और मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं आती, तो इसके लिए मैं फाइवर पे आया हूँ, आपको मैंने ऑर्डर किया है कि ये मेरी डोमेन है और ये इसका सी पैनल है, तो मैं आपको आप अपनी डोमेन बताऊंगा, मेरी डोमेन है जी rankme.today और उसका साथ सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड भी दूंगा, तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के rankme.today/cpanel लिखोगे और जो यूजर नेम और पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा वो यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, लॉग इन करोगे और मेरा सी पैनल आपके सामने खुल जाएगा। आपने सिंपल उसके अंदर जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बस इतना सा काम है। जीशान अपने लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। और अब आप अपनी जो फाइवर की गिग है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की वो अपनी अपनी प्रोफाइल्स पे लगाएं, मैं कल को चेक करूंगा, ठीक है? आज आज का काम यही है कि आपने एक तो पहले अपनी खुद से इंस्टॉल करके देखना है वर्डप्रेस अपने लाइव सर्वर पे या लोकल होस्ट पे जहाँ पे भी, और फिर उसके बाद आपने अपनी जो फाइवर की गिग है वो भी लगानी है कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर होस्ट, ठीक है? इस तरह का कोई भी अच्छा सा टाइटल लिख लें। सर अगर बाय रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ना करें कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आता? आप फाइवर ये कहता है कि अगर आपको मैंने बाय रिक्वेस्ट दिखाई थी आपने उनको इग्नोर किया तो अब मैं आपको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, तो फाइवर फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर बाय रिक्वेस्ट दिखाता ही नहीं है अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो, ठीक है? नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं आता, बस यही होता है कि फाइवर फिर
फिर आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर देता है अगर आप फाइबर को इम्पोर्टेंस कम देते हैं तो। चलें जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं पोस्ट कर देता हूँ उसके अंदर आप लोग कमेंट्स के अंदर जाके लाजमी अपना फीडबैक दे दें, मुझे सब लोगों का फीडबैक चाहिए उसके अंदर। ठीक है आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्रैक्टिस लाजमी करें, जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करें जो आज हमने सीखी हैं, उसके बगैर कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके चला जाऊँगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, कि तालियां बजाएंगे बैठे घर पे आप लोग कि बड़ा अच्छा काम कर दिया सर ने। लेकिन जब खुद करेंगे तो फिर मसले आएंगे, और उन मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ पे लगता है कि मैं अब यहाँ पर मेरे पैर जलना शुरू हो गए हैं, आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे TAs से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़।